आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भोपाल का वहशी दरिंदा खंडवा से गिरफ्तार, पुलिस स्टेशन पर लोगों का हंगामा, सरकार ने कहा एक महीने में दिलवाएंगे सजा। पश्चिम बंगाल को लेकर सियासत हुई तेज, केंद्र सरकार तलख, राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट। विश्व कप 2011 के हीरो युवराज सिंह ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, भावुक नजर आई हुई। मानसून तेजी से बढ़ा आगे, मध्य भारत में आसमान से बरसती आग से नहीं मिल रही राहत। और अभिनेता गिरीश कर्नाड का निधन, आखिरी बार सलमान खान स्टारर टाइगर जिंदा है में आए थे नजर। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजधानी में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले वहशी दरिंदे विष्णु प्रसाद को पुलिस ने खंडवा से गिरफ्तार कर लिया है। उसे मोर टक्का के पास से पकड़ा गया। इस दरिंदे पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था और अलग अलग 20 टीमें उसे पकड़ने के लिए जुटी हुई थी। बताया जा रहा है कि इस दरिंदे के परिवार ने ही उसे पकड़वाने में मदद की है। सरकार ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है और कहा कि एक महीने में इस दरिंदे को सजा हो ऐसी व्यवस्था की जाएगी। भोपाल के नेहरू नगर की मांडवा बस्ती में मासूम सिसकती रही, लेकिन वहशी भेड़िया विष्णु खुश था। उसकी दरिंदगी के सामने मासूम ने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। उसके बाद रात के अंधेरे में उसे नाले के पास फेंक दिया। अब इस भेड़िए का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस उससे पूछताछ करती नजर आ रही है। ये दरिंदा विष्णु प्रसाद मूल रूप से खंडवा का रहने वाला है। बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले के बाद से ही इलाके के लोग गुस्से में हैं। यह चाहते हैं दरिंदे विष्णु को उन्हें सौंप दिया जाए। सुबह नेहरू नगर चौराहे पर बच्ची के परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं कमला नगर थाने के बाहर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस मामले में हमेशा की तरह पुलिस का रवैया लापरवाह सामने आया। इस मामले में छोटे पुलिस वालों को दोषी बनाकर बड़े अफसरों ने खुद को बचा लिया। क्या नाम है तेरा? पिता का नाम? कहाँ रहता था? आरोपी विष्णु प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद एएसपी अखिल पटेल ने बताया कि हमने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीड़िता के घर के पास ही रहता था। हमारी कोशिश होगी कि उसे महीने भर के भीतर सजा दिलवाएं, ताकि ऐसे अपराधों की रोकथाम में मदद मिल सके। उसके आरोपी को, विष्णु नामक आरोपी को भी मोटक्का खंडवा ओंकारेश्वर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी सारी आईडी की पहचान कर ली गई है। उसके साथ में उसके जो परिवारजन साथ में थे उन्होंने भी उसकी पहचान कर ली है। तो हिरासत में ले लिया गया है। वहाँ से उसको यहाँ पर लाया जा रहा है भोपाल में। और जैसा कि डीजी साहब ने, आईजी साहब ने और डीआईजी साहब ने निर्देश दिए कि इसको जल्द से जल्द चालान पेश कर, कोशिश करके 48 घंटे के अंदर चालान पेश कर, एक महीने के अंदर इसको जो भी सजा न्यायालय देगा, एक महीने के अंदर वो सजा उसको मिल जाए, इसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा। प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी और हमारी फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सबसे रिक्वेस्ट करके और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके हम लोग जल्दी से जल्दी हमारा चालान पेश करके ये प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द। इस मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में पुलिस इस केस का चालान कोर्ट में पेश कर देगी। वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि पीड़ित बच्ची के परिजनों को सरकार ने तत्काल 5 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। वहीं लापरवाही बरतने वाले 7 पुलिसकर्मियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। कल जो नेहरू नगर मांडवा बस्ती में जो एक दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जो एक दरिंदे ने बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसकी हत्या कर दी। एक तो वो
ओंकारेश्वर में पुलिस ने ट्रैप करके उसको पकड़ लिया है, उसको भोपाल लाया जा रहा है। दूसरा कल वहाँ आदरणीय राज साहब दिग्विजय सिंह जी वहाँ पर थे और कहा था कि इसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख की आर्थिक सहायता उसके परिवार को देने की घोषणा कर दी है, जो उसको 24 घंटे के अंदर वो राशि उसको मिल जाएगी। दूसरा उन्होंने ये कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि 48 घंटे के अंदर इसका चालान पेश कर दिया जाएगा और 30 दिन में इसका निर्णय हो, ऐसी पहल की जाएगी न्यायालय से, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है। और 7 जो पुलिस कर्मी थे कल ही उनको पुलिस प्रशासन ने DGP ने सस्पेंड कर दिया था, और मैं समझता हूँ कि 24 घंटे के अंदर जितने फास्ट ट्रैक पे सब चीज़ें हुई हैं और जिसकी वजह से कातिल भी पकड़ा गया है, ये निश्चित तौर पर एक पुलिस ने बाद में जो पहल करके ठोस कदम उठाए उसका ये नतीजा है। इस मामले में भाजपा प्रदेश सरकार को घेर रही है। खुद पूर्व CM शिवराज सिंह ने प्रदेश में पुलिस अफसरों के तबादलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि थोक बंद अफसरों के तबादले हो रहे हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था के हालत बिगड़ रहे हैं। शिवराज पीड़ित परिवार को सांत्वना देने मांडवा बस्ती पहुंचे। इस पर पलटवार करते हुए जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने कहा कि भाजपा को आरोप लगाने का हक नहीं बनता है, क्योंकि उनकी सरकार के वक्त भोपाल में कोचिंग जा रही छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। और मैं सरकार से मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, सारी यादें पार हो गई है, केवल भोपाल में घटना नहीं, उज्जैन में बेटी के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई, छतरपुर में दुष्कर्म किया गया, नौगांव की खबर मेरे पास आई, बेटी के साथ छेड़छाड़ होती रही और बाद में वो जिंदा जल गई मिट्टी का तेल डाल के, सतना में, चित्रकूट में, एक नहीं अनेकों घटनाएं घटनाओं की सीरीज बन गई और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है और ये सहन करने के लायक नहीं है। सड़कों पर लड़ाई के दिन आ गए, सरकार स्थिति संभाले, रोज ट्रांसफर अराजकता मचा दी, प्रशासन का मनोबल भी तोड़ के फेंक दिया गया। सरकार चेते नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा और लोगों की मौत पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। राज्य सरकार को बेहद तलख शब्दों में एडवाइजरी जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने तत्काल प्रभावी कदम उठाने को कहा है। हालांकि इस एडवाइजरी को लेकर ममता सरकार ने केंद्र से कहा है कि राज्य में हालात काबू में हैं। वहीं भाजपा ने इसके विरोध में काला दिवस मनाते हुए 12 घंटे के लिए बंद का ऐलान किया। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि राज्यपाल ने इस मुलाकात को औपचारिक करार दिया, साथ ही कहा कि उन्होंने राज्य के हालात की जानकारी गृह मंत्री को दे दी है। इससे पहले केंद्र सरकार की एडवाइजरी का जवाब देते हुए राज्य के चीफ सेक्रेटरी मलय कुमार ने पत्र लिखकर गृह मंत्रालय से कहा कि राज्य में चुनाव के बाद असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा की गई, जिसे रोकने के लिए अधिकारियों ने तुरंत और जरूरी कदम उठाए। राज्य में स्थिति काबू में है और इस तरह की घटनाओं के आधार पर राज्य में कानून व्यवस्था को असफल नहीं माना जा सकता। 24 परगन और नजात पुलिस स्टेशन में जो हिंसक घटनाएं हुई थी उन मामले में केस दर्ज हो चुके हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री एवं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने एडवाइजरी को असंवैधानिक करार देते हुए इसे बंगाल की जनता का अपमान बताया है। एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने लिखा है कि पिछले हफ्ते कुछ हफ्तों से जारी हिंसा से प्रतीत होता है कि राज्य सरकार की प्रवर्तन मिशनरी कानून व व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों में भरोसा कायम करने में विफल साबित हो रही है। टीम इंडिया जहां विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर रही है, वहीं इस खास मौके पर 2011 विश्व कप के हीरो रहे युवराज सिंह ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मुंबई में उन्होंने एक बेहद ही भावुक संदेश में क्रिकेट के साथ अपने सफर का जिक्र करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी हेजल और माँ शबनम मौजूद थी। अपने विदाई संदेश में युवी ने मीडिया को संबोधित करते हुए अपने क्रिकेटिंग करियर में आए हर एक उतार चढ़ाव और अच्छी बुरी याद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 25 साल और 17 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मेरे
करियर के बाद अब मैंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। इस खेल ने मुझे सिखाया है कि कैसे लड़े, कैसे गिरे, कैसे उठें और फिर कैसे आगे बढ़े। युवराज सिंह ने कहा, 2011 का विश्व कप जीतना एक सपने की तरह था। उसके बाद मुझे कैंसर हो गया और इस दौरान मेरे फैंस और परिवार साथ था। युवी बोले कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि भारत के लिए खेलूंगा, लेकिन 2004 में मैंने लाहौर में पहला शतक लगाया और फिर T20 विश्व कप में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाना यादगार रहा। जी सही कहा आपने, सफलता भी नहीं मिल रही थी और अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही थी खेलने की, एंड और काफी वक्त हो गया था ग्राउंड पर और बहुत से रीजन से, यू नो 2000 में मेरा करियर शुरू हुआ था और 19 साल हो गए थे, तो एक कंफ्यूज था अपने करियर को लेके कि मुझे अपना करियर किस तरह एंड करना है। मैं चाहता था कि जो लास्ट IPL हम जीते हैं, अगर मुझे खेलने को मिलता और मेरा करियर एंड होता तो बहुत सेटिस्फाइड तरीके से मैं जाता, बट लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता। एंड मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर ही सोच लिया था कि ये जो आने वाली IPL इस साल की वो मेरी आखिरी होगी, एंड आई विल गिव इट माय बेस्ट शॉट। तो हर आदमी की एक लाइफ में एक टाइम आता है जब वो सोचता है कि यू नो बस अब बहुत हो गया, तो बस एक आउट से कि एक साल पहले डिसाइड कर लिया था कि मेरी आखिरी IPL होगी। युवी ने कहा कि मैंने हमेशा खुद पर भरोसा रखा और यह बात मायने नहीं रखती कि दुनिया क्या कहती है। मैंने गांगुली की कप्तानी में करियर शुरू किया और सचिन, सहवाग, वीरू, गौतम जैसे मैच विनर्स के साथ खेला। हालांकि जब रिटायरमेंट की बात आई तो मैं पिछले साल ही यह फैसला ले चुका था, सोचा जो T20 जीते हैं उसके बाद संन्यास लूं, लेकिन सब कुछ जैसा सोचा वैसा नहीं होता है। मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और अब कोची तमिलनाडु को तरबतर करते हुए आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून एक हफ्ते की देरी से आने के बावजूद अगले 48 घंटे में पूर्वोत्तर राज्यों में भी अपना असर दिखा सकता है। इन राज्यों में भी मानसून के बेहतरीन हालात बन गए हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ओडिशा में मानसून पहुंचने में देरी हो सकती है। वहीं मध्य भारत में आसमान से बरसती आग से राहत नहीं मिल रही है। अब भी देश में कई शहरों का पारा 45 डिग्री पर है। मुंबई, महाराष्ट्र के कुछ शहरों में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भिगो दिया है। प्री मानसून बारिश की वजह से लोगों को तपन से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य में अगले कुछ दिनों में मानसून भी दस्तक दे सकता है। सरकारी मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य अरब सागर के अलावा लक्षद्वीप में चक्रवर्ती तूफान आने के हालात बन रहे हैं। इन इलाकों में हवा का निम्न दबाव है, यह दबाव आगे उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। अगले 48 घंटे में यह दबाव और बढ़ सकता है। इसके चलते मुंबई की अधिकांश जगहों में 11 और 12 जून के आसपास हल्की से मध्य बारिश की उम्मीद है। मानसून मंगलवार तक समूची बंगाल की खाड़ी को भी घेर लेगा, इसीलिए मछुआरों को समुद्र में जाने से भी रोका गया है, क्योंकि वहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। एक तरफ जहां केरल और दक्षिण भारत के अन्य शहरों में झमाझम बारिश की तस्वीरें राहत दे रही हैं, वहीं मध्य भारत में आसमान से बरसती आग से राहत नहीं मिल रही है। अब भी देश के कई शहरों में पारा 45 से पार रहा। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू के कारण सड़कें सूनी रहीं। वहीं पंजाब, हरियाणा और यूपी बिहार में भी हालत बिगड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान कमलनाथ कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद थे। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से भाजपा उम्मीदवार विवेक साहू के खिलाफ 67 सीट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की थी। 8 बार के सांसद कमलनाथ ने पहली बार विधायक पद की शपथ ली। इससे पहले उन्होंने 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस वक्त वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। नियमों के तहत किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को विधानसभा सदस्य नहीं होने की सूरत में 6 महीने के भीतर विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेनी होती है। कमलनाथ के लिए ये अवधि 16 जून को पूरी हो रही थी। ऐसे में उन्हें हर हाल इस दिन से पहले विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेनी ही थी। जो विधानसभा के लिए
सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित प्रकार यार मुझे कमलनाथ 1979 में पहली बार छिंदवाड़ा से सांसद चुने गए थे। उसके बाद वो 8 बार इस सीट से सांसद रहे। इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटे नकुलनाथ के लिए ये सीट छोड़ दी थी। अब नकुलनाथ इस सीट से सांसद हैं। खबर जबलपुर से है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के विशाल भवन में शाम के वक्त अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन में शाम करीब 6 बजे आग लग गई। आग हाईकोर्ट भवन के ऊपरी माले में लगी। इसमें पुराना फर्नीचर जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर बमुश्किल काबू पाया जा सका। हालांकि आग लगने के कुछ ही मिनट बाद अग्निशमन दल मौके पर पहुंच गया था, लेकिन इस बीच आग ने भीषण रूप ले लिया। कुछ लोगों के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से हुई है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट दस्तक अभियान की शुरुआत कर रहे थे और बिजली गुल हो गई। इससे पहले इंदौर में भी तुलसी सिलावट के कार्यक्रम में बत्ती गुल हो गई थी। कांग्रेस और बिजली का बैर अब सरकार की मुसीबत बनता जा रहा है। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री टीसी सिलावट दस्तक अभियान का आरंभ कर रहे थे और बिजली गुल हो गई। बिजली जाते ही सब स्वास्थ्य मंत्री की शक्ल देखने लगे। मिसरौद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तुलसी सिलावट पहुंचे थे कि लाइट चली गई थी और संचालक को कहना पड़ा लाइट नहीं है, मुझे अपने गले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि कुछ समय बाद लाइट आ गई। इससे पहले इंदौर में भी तुलसी सिलावट महत्वपूर्ण मीटिंग ले रहे थे, तब भी बिजली चली गई थी। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी बिजली के हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुलताई विधायक सुखदेव पांसे को पीएचई विभाग का मंत्री बनाकर प्रदेश की प्यास बुझाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन पीएचई मंत्री के घर ही पानी का टोटा हो गया है। जब मंत्री को खुद अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए टैंकर से पानी बुलवाना पड़ रहा है तो जाहिर है कि प्रदेश में अन्य जिलों की हालत क्या होगी और सरकार का सिस्टम कैसे लाल फीताशाही की भेंट चढ़ रहा है। मुलताई विधायक और कांग्रेस के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे के घर के बाहर खड़ा यह पानी का टैंकर देखकर उनसे मिलने आए लोग खासे हैरान थे। लोगों का कहना था कि हम पानी की समस्या लेकर मंत्री के पास आए थे, लेकिन मंत्री के घर में ही पानी का अकाल है, ये हमारी समस्या का समाधान क्या करेंगे। ये नजारा मुलताई स्थित पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे के निजी निवास का है। पानी की कमी से जूझ रहे पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे अपने साधन से 2 दिन में 1 टैंकर पानी अपने क्रेशर से बुला रहे हैं, जिससे घर सहित अन्य आने जाने वालों को पानी उपलब्ध कराने का प्रयास होता है। पानी कम पड़ रहा है इसलिए ना, मालूम नहीं सर, तीसरे दिन में नहीं सर। हाँ, ये प्रेशर से आ रहा है। नहीं सर, प्रेशर से ही लाते हैं। पानी की किल्लत से जूझ रही मुलताई नगरपालिका के सीएमओ राहुल शर्मा भी मंत्री के घर टैंकर देखकर आश्चर्यचकित होने के बजाय मुस्कुराते दिखे। शर्मा के मुताबिक मुलताई नगरीय क्षेत्र में 42 हैंडपंप हैं जो कि पानी नहीं होने की वजह से सूख गए हैं। साफ है कि जब मुलताई लोकल में पानी की इतनी किल्लत है तो विधायक सुखदेव पांसे के पूरे विधानसभा क्षेत्र की हालत क्या होगी। कमलनाथ के मंत्री सुखदेव पांसे जब खुद अपनी विधानसभा में पानी की आपूर्ति नहीं करा पा रहे हैं तो देश के हालातों का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। रीवा के बिछिया थाने में एक युवक और युवती के नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक और युवती की आपस में कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों ने नहर में कूदकर जान दे दी।
रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र स्थित सिलपरा नहर के पुलिया से बाइक सवार युवक युवती ने एक साथ छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और गोताखोरों को मौके पर बुलाया। स्थानीय लोगों की माने तो छलांग लगाने से पहले युवक युवती के बीच झूमाझटकी हुई थी, जिसके बाद युवक युवती ने एक साथ नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि सिलपरा नहर में छलांग लगाने वाले युवक युवती जिस अपाचे गाड़ी से आए थे वह रवि ताम्रकर नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस खुदकुशी के कारणों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी है। ये अमृत लाल बनिया ने बताया है कि मैं भिंडी तोड़ रहा था बगिया में, दो व्यक्ति एक लड़की एक लड़का आया बाइक से और यही लट्टी झट्टा कर रहे थे, इसके बाद कूद गई। अभी जानकारी हुई नहीं है, भाई अपना है चाहे लड़का है, जानकारी मिली है, गाड़ी अपनी है तो जानकारी ढूंढने आए हैं। अब लाश मिल जाती। कौन गाड़ी लिया था आपकी? गाड़ी छोटा भाई लिया था, अब ये रात में निकला था। भीषण गर्मी में गाडरवारा के विवेकानंद वार्ड में पानी की भारी किल्लत है। लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, लोग परेशान हैं और नगर पालिका के अफसर एसी में चादर तान कर सो रहे हैं। नगर पालिका और प्रशासन की अनदेखी के चलते गाडरवारा के विवेकानंद वार्ड में रहवासियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। गर्मी के दिनों में पानी की समस्या तो है ही, साथ ही नगर पालिका की अनदेखी ने यह समस्या और भी बढ़ा दी है। लोगों के घरों में दूषित गंदा पानी नलों में आ रहा है जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ का कहना है कि अगर लोग लंबे समय तक गंदे पानी का सेवन करते हैं तो उन्हें कई प्रकार की बीमारियां, गंभीर बीमारियों का खतरा है। जो पानी हमारा पीने का है उसके अंदर बहुत सारे जीवाणु विषाणु मिल सकते हैं, हमारे अपशिष्ट पदार्थ मिल सकते हैं, जिसके कारण जो संक्रामक बीमारियाँ हैं उनकी होने की संभावना रहती है। वर्तमान में जो संक्रामक बीमारियाँ हैं वो 80% बीमारियाँ पानी गंदे पीने की वजह से होती हैं। जैसे कि हमने चीचली में भी देखा था, जो पीलिया की बहुत ज़्यादा महामारी थी, जैसे हमने वो पानी का रास्ता वहाँ से बंद किया तो उस जगह से पीलिया के नए केस आना बहुत कम हो गए। और गाडरवारा में भी अगर कहीं भी गंदा पानी जहाँ से निकल रहा है और उसी जगह पीने का पानी आपस में जुड़ रहा है, तो जब पानी बंद होता है तो एक नेगेटिव प्रेशर आता है जिसमें गंदा पानी पाइप में चला जाता है, उसके अंदर ताज़े पानी में भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, वायरस का, फंगल का इन्फेक्शन होता है, जिससे पेट की बीमारियां, पीलिया, लिवर की बीमारियां और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग, चर्म रोग, ये सब होने की संभावनाएं रहती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पार्षद कभी वार्ड में आते ही नहीं और फोन भी नहीं उठाते। जब इस बारे में हमारे संवाददाता ने स्थानीय पार्षद से बात की तो मीडिया को देख पार्षद कमल खटीक ने खुद वहां आकर समस्याएं देखी। जैसे ही पार्षद वार्ड में पहुंचे लोगों ने उन्हें घेर लिया और लंबे समय से चली आ रही समस्या से अवगत कराया। वहीं पार्षद ने रटा रटाया जवाब देते हुए कहा कि तत्काल समस्या का निराकरण किया जाएगा। मामले को लेकर नगर पालिका के सीएमओ संजय कैथल को अवगत कराया गया, लेकिन बेपरवाह सीएमओ के पास इतना समय नहीं रहा कि वो इस समस्या को गंभीरता से सुन भी लें और गोलमोल जवाब देकर कैमरे से बचते नजर आए। जब इस बारे में एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया और त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया। ये अभी आपने जो मुझे वीडियो क्लिपिंग उपलब्ध कराई है, मैं इनको सीधे सीएमओ को भेज रहा हूँ और इनके पानी के सैंपल लेने की अभी व्यवस्था करता हूँ। और क्या उसमें उपचार, ब्लीचिंग पाउडर या जो भी उपचार होगा वो यथासंभव हम जल्दी से जल्दी उसको कराएंगे और निश्चित तौर पे जो आपने ये समस्या रेज की है इसका निवारण किया जाए। सिंधी भाषा को बढ़ाने और उससे जुड़ाव बनाए रखने के लिए युवाओं के सपनों पर आधारित सिंधी नाटक जिंदगी आजा रंजा का बेहतरीन मंचन किया गया, जिसे सिंधी भाषियों ने जमकर सराहा। संत हिरदाराम नगर में सिंधी नाटक का मंचन किया गया। बीना कला एवं सेवा समिति ने आज के सपनों पर आधारित पारिवारिक सिंधी नाटक जिंदगी आजा रंजा बेहतरीन मंचन किया। इस नाटक के लेखक राकेश शेवानी एवं निर्देशन आलोक बुलानी ने किया। इस नाटक में हंसते खेलते परिवार की कहानी है जिसके घर के मुखिया बैंक मैनेजर हैं। लड़की अपना करियर बनाने के प्रति सजग है और बेटा राजू क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहता है। राजू के बर्थडे सेलिब्रेशन से नाटक शुरू होता है और अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे मनाता राजू वर्ल्ड कप क्रिकेट के
ऊपर सट्टा लगाते हुए बड़ी रकम जीत जाता है। इसी जीत की खुशी में दोस्तों के साथ दारू पार्टी भी करता है और घर में बर्थडे मनाने वाले परिवार के बीच दारू पीकर पहुंचता है। यहीं से राजू के बुरी राह पर चल पड़ता है। लाखों का कर्जा और इस कर्ज का उतारने के लिए घर में चोरी करना और फिर राजू के सुधरने की दास्तां ये नाटक कहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बीना कला एवं सेवा समिति द्वारा आज युवाओं की बदलती शैली पे ये नाटक आयोजित किया गया। इस नाटक का नाम है जिंदगी जा रंग है। ये सिंधी ड्रामा है जो कि आजकल के युवा हैं, माता पिता तो बड़े बड़े स्कूलों में उनको बिठाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में बिठाते हैं, पर बच्चे क्या कर रहे हैं माता पिता वो नहीं देखते हैं। बच्चे को इंजीनियर कॉलेज में बिठा दिया, साइंस कॉलेज में बिठा दिया, कॉमर्स उठा ली, बड़े बड़े कॉलेजों में चले गए, पर माता पिता उनके पीछे कैसे खर्च करते हैं, पर बच्चे क्या कर रहे हैं उनको कभी पीछे नहीं देखते। तो बच्चों को गलत गलत धीरे धीरे गलत राह से निकल जाते हैं। जैसे धीरे धीरे बच्चे ने सिगरेट पीना चालू कर दिया, हुक्का पीना चालू कर दिया, क्रिकेट के सट्टे में घुस गया, तो गंदी आदतें उनको लग जाती हैं। मैं इस नाटक के द्वारा यही संदेश देना चाहता हूँ, सभी माता पिता को अपने बच्चों को सही से रखना चाहिए, क्योंकि उनको देख रेख करना चाहिए, वही क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये संदेश देना चाहता हूँ। इस नाटक के डायरेक्टर अशोक गुलानी हैं और लिखा मेरे द्वारा गया राकेश शिवानी द्वारा। इस नाटक में कलाकारों ने बहुत ही उम्दा अभियान दिखाया और दर्शकों की वाहवाही लूटी। खचाखच भरे नाटक सभागृह में उपस्थित महिलाओं एवं युवाओं ने नाटक को बहुत सराहा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास बिरानी और समाज सेवी हीरो ज्ञान चंदानी थे। छतरपुर के नौगांव के सुकवा गांव में एक किसान की बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब किसान खेत में पानी लगा रहा था। छतरपुर के नौगांव के सुकवा गांव में एक किसान की बिजली का करंट लगने से जान चली गई। 35 वर्षीय किसान संतोष पटेल अपने खेत पर पंप से पानी दे रहा था, तभी बिजली का तार टूटकर खेत में गिर गया। खेत गीला था और पहले खेत पर मौजूद उसकी पत्नी को करंट लगा, जिसे बचाने संतोष दौड़ा और उसे उठाकर दूसरे खेत में छोड़ दिया, लेकिन वह वहीं रखे बिजली के तार की चपेट में आकर संतोष की जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पानी लगा रहे थे खेत में, पर मिनट में तार टूट गया, अचानक से करंट लग गया। ये सामने काम होगा समय आया है कि मतलब दिनांक 9/6 ये शाम करीब 6 बजे की बात है। मैं मृतक तुलसी एज मृतक संतोष पटेल अपने खेत में पानी लगा रहा है, उसमें अचानक खेत में गीला हो रहा है, करंट लगाने से करंट लगा। संत हिरदाराम नगर में संत सुखराम दास मसंद सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में 51 बच्चों के निशुल्क सामूहिक जनेऊ संस्कार का आयोजन किया गया। जनेऊ संस्कार के आयोजन की खास बात यह रही कि संस्कार देने के साथ ही बच्चों को पानी बचाने के गुण भी सिखाए गए। संत हिरदाराम नगर में 51 बच्चों को निशुल्क सामूहिक जनेऊ संस्कार का आयोजन किया गया। इस जनेऊ संस्कार में गद्दी नशीन साईं संजय देव बसंत के सानिध्य में पीड़ित जय शर्मा ने विधि विधान से जनेऊ संस्कार संपन्न कराया। यहां बहराणा साहब एवं भजन कीर्तन के साथ संजय देव मसंत के प्रवचन दिए। साथ ही यहां पर बच्चों द्वारा पानी बचाने को लेकर नाटक पेश किया गया। पानी बचाने को लेकर डॉक्यूमेंट पिक्चर भी बच्चों को दिखाई गई। दरबार साईं संजय कुमार मसन की आशीर्वाद से 63 बच्चों को जनेऊ संस्कार किए गए। विधिवत उनको वस्त्र, पूजा का सामान, पूजा यज्ञ आदि का सामान उनको दिया गया और बहराणा साहब का भी आयोजन रमेश कुमार की तरफ से किया गया। जनेऊ उपरांत लंगर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चे भोजन व प्रसाद भी करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में 4 संस्कार अति महत्वपूर्ण हैं। जैसे व्यक्ति का जन्म होता है वह भी एक संस्कार है। दूसरा जनेऊ धारण करने से यज्ञ आदि जो कि धर्म से संबंधित कार्य है वह कर सकता है। तृतीय है विवाह, विवाह उपरांत चौथा मृत्यु। यह 4 संस्कार 16 संस्कारों में अति महत्वपूर्ण है। जनेऊ का बहुत बड़ा महत्व है। पिछले कम से कम 25 साल से आपने देखा होगा कि पहले भारतीय सिंधु सभा के साथ हम जनेऊ संस्कार करवाते हैं, उसमें हमारी माताएं भारतीय सिंधु सभा की वह भी हमें सहयोग करती हैं। सुखील दरबार की माताएं वह भी हमें सहयोग करती हैं। लगभग पूरे शहर के माताएं बहनी भाई सब इस कार्य को सहयोग करते हैं। 4 साल से जनेऊ संस्कार का आयोजन करते हैं यहाँ पे शहर में।
जी आज 14 साल है और आज 63 बच्चों को शिक्षा दी गई है। मशहूर फिल्म अभिनेता और लेखक गिरीश कर्नाड का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्होंने 81 साल की उम्र में बेंगलुरु स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। वे आखिरी बार सलमान खान स्टारर टाइगर जिंदा है में नजर आए थे। हालांकि उन्हें मालगुडी डेज से ख्याति मिली थी। अभिनेता और लेखक गिरीश कर्नाड का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वे आखिरी बार सलमान खान स्टारर टाइगर जिंदा है में नजर आए थे। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ जैसे सम्मान मिले। फिल्म अभिनेता के अलावा उनके पहचान फिल्म निर्देशक, कन्नड़ लेखक और नाटककार के रूप में भी रही। उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी खूब नाम कमाया। गिरीश कर्नाड ने जिन प्रमुख हिंदी फिल्मों में काम किया उनके नाम हैं टाइगर जिंदा है, शिवाय, चौके डस्टर, कॉफी शॉप, स्मार्ट एंड कंपनी, रॉक इन लव, एक था टाइगर, पीपली लाइव, आतंक टूर, इकबाल, हे राम, चाइना गेट, अंतरनाद, सुर संगम। गिरीश कर्नाड ने मालगुड़ी डेज के जरिए छोटे पर्दे पर अपनी शुरुआत की और अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। उसके बाद साइंस वेस्ट, टीवी न्यूज मैगजीन टर्निंग पॉइंट में उनकी ख्याति में उन कई गुना इजाफा हुआ। इसके अतिरिक्त गिरीश कर्नाड को कन्नड़ फिल्म संस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब भैरंड समाचार सुनाएंगे आपको जर्जर भोपाली। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, बिजली की तो ये थी आग मिचोली चल रही है। बताओ टेम्परेचर हो गया 46 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ ये खोपड़ी है ना, जल जल के ये छुहारा हो रही है, बता रहे हो। और इसमें देखो ये लड़ाइयाँ चल रही है। वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी वाले सब करवा रही है बिजली कटौती वगैरह। और मैं बता रही हूँ सरकार तो हमारी चल रही है। ये पकड़ पकड़ के अंदर करो ना जो करवा रहा है। ये जनता को क्यों परेशानी भोगना पड़ रही है? ये आपस में लड़ाई में है, राजनीति में जनता पिस रही है, बता रहा हूँ। ये वो गर्मी इतनी पड़ रही है। और ये दूसरी खबर सुन लो, आंध्र प्रदेश में जो जगमोहन रेड्डी CM बने हैं, उन्होंने 5 डिप्टी CM बना दिए। बताओ, मैं तो कह रहा हूँ 5 क्यों बनाए, पूरी मंत्रिमंडल को डिप्टी CM बना देते। हाँ, बैलेंस करना पड़ता है राजनीति में, क्या क्या करना पड़ता है बताओ। कोई वो रोड जाए रोड जाए। अब मैं कह रहा हूँ रूटने के लिए आयो कि काम करने के लिए आयो? अरे जनता के लिए काम करो भाई। है तुम्हें वोट दिया है, मंत्री बनाया है, काम करो ना। ये खबर ये देखो, वो बहुत ही मतलब दिमाग खराब हो रही है इस खबर को देख के। तुम्हें अलीगढ़ में जो 6 साल की बच्ची को मार डाला है, बताओ पैसे के लिए आदमी क्या क्या कर रहा है। अरे पैसा को सेकेंडरी रखो, मैं बता रही हूँ अपना ये अपने जहन के अंदर कुछ ये इंसानियत पैदा करो। बताओ ये तो बच्चे को मार दिया, बताओ शर्म नहीं आई? कहते कहते इनकी क्या कलेजों में है, कहते काम कर जाते हैं। बताओ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया इस घटना के बाद। और ये देखो ये ICC, ये धोनी साहब ने जो अपने दस्ताने पे जो बलिदान बेज लगा लिया, इस पर ICC को बहुत तकलीफ हो गई। और मैं बता रही हूँ ऐसी तकलीफ दूसरों खिलाड़ियों के लिए भी करो। और कभी कोई ताबीज पहन लेता है, कोई कुंडल पहन लेता, सब उतरवा दोगे ये? अरे इसे किया जा रहा था, वो इज्जत कर रहे थे, सेना के सम्मान के लिए उन्होंने लगाया था, तो इसमें किया जा रहा है? लेकिन नहीं था, हर जगह राजनीति आ जाती है। वो देखो भैया मोदी जी ने भी ओपनिंग शुरू कर दी है, विदेश यात्रा शुरू हो गई उनकी। हाँ, हम मालदीव में पहुंच गए, वहाँ सबसे उनका जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी इनको अवार्ड मिल लिया है। हाँ, तो अब नए नए दोस्त बनाएंगे भैया। ये पहले इन्होंने बहुत सारे दोस्त बनाए, इनका काम है दोस्ती करना, वैसे देश का भी नाम रोशन होता है, वैसे देश को फायदा मिले वो अच्छा है, फायदा मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, वो ये खबर ये देख लो, इमरान साहब ने ये चिट्ठी भेज रहे हैं, बोले बातचीत से सब समस्या हल कराएंगे। और मैं बता रही हूँ चिट्ठियाँ कब से 70 साल हो गए चिट्ठियाँ भेजते हुए, अभी तक कोई समस्या हल हुई चिट्ठियों से? इधर चिट्ठी भेजते हो, उधर 4 आतंकवादी बम रख के है ना भेज देते हो। है, अरे पहले उनको निपटाओ, जो आपके आका बैठे हुए हैं बड़े बड़े आतंकवादी पाल के रखे हैं वहाँ, उनको है ना रोज खाना खिलाते रहते बैठ के, उनको हटाओ, तब जाके समस्याओं का समाधान होगा, बता रही हो। ये चिट्ठियों तो काम नहीं चलेगा। हाँ, और ये खबर ये उत्तर कोरिया से सुन लो भैया, ये अन्ना फिफील्ड है वॉशिंगटन पोस्ट की संवाददाता, उन्होंने किम जोंग के ऊपर एक किताब लिखी है द ग्रेट सक्सेसर। हाँ, उनमें उनके बड़े खुलासे किए हैं इन्होंने। वो बचपन से खुर्राट किस्म के थे, अकेले रहते थे, किशोरावस्था में राज परिवार से थे, तो किसी से सीधे वो बात नहीं करते, टेढ़ा मुँह करके ही बात करते थे। और तब से ही उनके अंदर खुर्रेटपन आ गया, किसी को अभी फांसी पे लटका दो, ये कर दो वो कर दो, ये तानाशाही है ना बचपन से भरी पड़ी है उनमें।
बता रहे हूँ मैं तो ये अकेले का रहने वाला आदमी नहीं हूँ, बता रहे हूँ मैं। चला भैया पड्डियों पे बातचीत करूंगा तो अपनी फ्रेंड नो से। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।